मध्य प्रदेश का चुनावी महासमर शुरू होने में भले ही 7 महीने का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सेंधमारी शुरू कर दी है और चुनाव में करारी शिकस्त देने का दावा ठोक रही है। विधानसभा चुनाव के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने जिला मुख्यालय से संकल्प जन अधिकारी मिशन की शुरुआत कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम ने बीजेपी कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी की शपथ दिलाई और अपार जन समूह में पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि डिंडौरी की धरती पर जन सैलाब को देखते हुए अब लग रहा है कि प्रदेश में गोंडवाना की आंधी चल रही है, जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासियों को हक और अधिकार कोई दिला सकता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही दिला सकती है। सभी एससी एसटी परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिलवाया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने, पार्टी ने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिख के पूछा है कि आप इसका अकाउंट दें, तो वो आज तक अकाउंट नहीं दिया। इसके बाद हम कोर्ट में PIL डालने वाले हैं जल्दी, इसी महीने। इसके बाद हम जनता पे छोड़ते हैं कि यदि ये 1-1 करोड़ रुपया जो उनका ही है, जो सरकारों के पास पड़ा है, जो उन्होंने इधर उधर मिसअप्रोप्रिएट कर रखा है, वो अगर लेना है तो पार्टी को वोट दें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अगर वो वोट देंगे तो ये काम सबसे पहले कराया जाएगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने मैनिफेस्टो के साथ गांव में, जो अभी प्राचा जी ने कहा कि आदिवासियों का जो हिस्सा है, वो जो इस देश के राज करने वाले जो आज़ादी के बाद से राजपाट कर रहे हैं, वो जो हमारे हिस्से का पैसा, तो हम जनता तक जा रहे हैं और जनता इस बात को बहुत भली भांति समझ रही है। निश्चित रूप से हमारा जो संगठन है बढ़ रहा है, हमको जनाधार मिल रहा है और व्यापक मात्रा में हम लोग जन समर्थन मिल रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।